नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो? आज हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो आई है DMRC के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर वेरियस डेटा एंट्री ऑपरेटर क्लर्क की भर्ती है। ये केंद्र सरकार की भर्ती है। ऑल ओवर इंडिया सारे स्टेट्स के उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो के अंत तक हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है डिजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर यानी कि DMRC। एम्प्लॉयमेंट टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 24 है और जॉब लोकेशन है जयपुर राजस्थान। अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है। फील्ड वर्कर से 20 पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर से 2 पोस्ट है, वहीं अपर डिविजन क्लर्क से 2 पोस्ट है। अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है फील्ड वर्कर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मैक्सिमम 30 साल, अपर डिविजन क्लर्क के लिए मैक्सिमम 28 साल। पे स्केल मिलता है फील्ड वर्कर के लिए 18,000, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18,000 और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 17,000। सिलेक्शन बेस्ड है स्किल टेस्ट और इंटरव्यू पर। यहाँ पर सीधी भर्ती है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होना, यहाँ पर इंटरव्यू बेसिस पर भर्ती। आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में। आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको हमारे वेबसाइट पर पहुंचना है। सारे डिटेल्स को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ना और अप्लाई कर देना है। और इसके लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई कुछ इस प्रकार। फील्ड वर्कर के लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12वीं पास, साथ ही डिप्लोमा चाहिए आपको मेडिकल टेक्नोलॉजी या फिर BSc इन लाइफ साइंस में या फिर उसके समकक्ष। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12वीं पास के साथ, आपको DOE ACC A लेवल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए या फिर उसके समकक्ष। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन में। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।